माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ये जब तय किया कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो कहा था। और आज गंगा आरती चल रही है दशाश्वमेध घाट पर, ये विश्व प्रसिद्ध आरती है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और गंगा ये पहचान है, और ये जो आरती है ये बहुत पुरानी परंपरा है जो हर रोज शाम को निभाई जाती है। आज आप देख सकते हैं कि इस विशेष अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। क्योंकि ये चुनाव है लोकसभा का, प्रधानमंत्री को 14 तारीख का नामांकन करना है, 13 तारीख को उनको रोड शो करना है, और ऐसे में दो दिन पहले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचकर इन रोड शो और नामांकन का जायजा ले रहे हैं, कोई कमी न रह जाए, क्योंकि जो रोड शो है और नामांकन उसे भव्य और बड़ा बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह पहुंचे हैं, एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं। रोड शो को मेगा बनाना है, हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के रोड शो में, ऐसे में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए प्रधानमंत्री के सबसे विश्वस्त अमित शाह पहुंचे हैं। उन्होंने पार्टी की बैठक भी की है, और ऐसे समय में जब वो वाराणसी में मौजूद हैं तो माँ गंगा के पास वो मौजूद हैं और गंगा की आरती को वो देख रहे हैं। इसके बाद पार्टी की फिर बैठक लेंगे, ऐसे में ये जो तैयारी है आप देख सकते हैं, गंगा आरती चल रही है, मंत्रमुग्ध होकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी देख रहे हैं गंगा आरती को, मंत्र चल रहे हैं, और हजारों की संख्या में दर्शनार्थी और जो पर्यटक हैं और भाजपा के नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और गंगा के अंदर है हर दिल में मोदी, हर जगह पर वाराणसी में देखने को मिल रहा है हर दिल में मोदी, तो ये गंगा के अंदर भी आप देख सकते हैं, ऐसे जगह जगह प्रचार हो रहा है। तो ये गंगा आरती का जो अवसर है उस पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।